पतंजलि आरोग्य केंद्र का उद्घाटन समारोह हाल ही में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री हंसराज अहीर इनके हाथों किया गया। सीएचएल हॉस्पिटल के समीप अरविंद नगर चौक में पतंजलि आरोग्य केंद्र का उद्घाटन समारोह 20 फरवरी को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री हंसराज अहीर इनके हाथों किया गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री अहीर इनका आगमन होते ही पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत किया गया। श्री अहीर साथ ही उपस्थित मान्यवरों के हाथों दीप प्रज्वलन किया गया। तत्पश्चात श्री अहीर इनके हाथों फीता काट कर पतंजलि आरोग्य केंद्र का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन समारोह अवसर पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री अहीर ने पतंजलि आरोग्य केंद्र के साथ सज्जा को निहारा, साथ ही पतंजलि के प्रोडक्ट्स के बारे में जांच पड़ताल की। पतंजलि आरोग्य केंद्र के शुभारंभ मौके पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री अहीर ने सभी चंद्रपुर महानगर के नागरिकों को शुभकामनाएं दी। पतंजलि के माध्यम से देश के हित के लिए उत्पादन शुरू हुआ है। यह सब खाद्य पदार्थ उत्पादन और आयुर्वेदिक दवाइयों का उत्पादन, इन सभी का मिलकर यह स्वास्थ्य साधना स्थल खुला है। अच्छा उपक्रम, अच्छा उपयोग, सभी की सुविधा के लिए, सभी को पसंद आए ऐसे उत्पादन, अच्छी दवाइयां इस जगह उपलब्ध है। ऐसी जानकारी देते हुए उन्होंने रामदेव बाबा ने देश में जो क्रांति लाई है उसके प्रति उनका आदर व्यक्त किया। अशाच पतंजलि माध्यमातून काही देशाच्या हितामध्ये उत्पादन सुरू झालेली आहे आणि सर्व खाद्य पदार्थ उत्पादन आणि आयुर्वेदिक उत्पादन औषधांचे सर्वांना मिळून या ठिकाणी आज आरोग्य साधना एक स्टॉल ओपन झालेला आहे। त्याच्या शुभारंभ प्रसंगावर मी सर्व चंद्रपूर महानगरातील नागरिकांना शुभेच्छा देतो। त्या ठिकाणी हे संचालन जे होत आहे पतंजलीचे या जिल्ह्याचे सर्वात प्रमुख म्हणून जे काम करतात आमचे गोपाल मंडळाजी आणि त्याचे सर्व सहकारी, हे संचालन करणारे श्री ऋषी आणि त्याच्या सर्व सहकाऱ्यांना मी शुभेच्छा देतो। आणि चांगला उपक्रम, चांगला उद्योग आणि सर्वांना सोयीचा, सगळ्यांना आवडेलची उत्पादनं आणि सगळ्यांना लागतील चांगली औषधं या ठिकाणी मिळतील म्हणून या ठिकाणी मी शुभेच्छा देण्याकरता आलो आहे। या स्टोर करता, त्या आरोग्य साधना केंद्राकरता मी मनापासून शुभेच्छा देतो। आणि आदरणीय रामदेव बाबा यांनी देशामध्ये नवीन क्रांती आणली आणि भारतीय विद्येचा या ठिकाणी खूप मोठ्या प्रमाणात चलनामध्ये आम्ही दाखवून दाखवलं त्यांनी, पण त्याच्याप्रती मी आदर व्यक्त करतो। धन्यवाद।